लवली स्टूडेंट्स, आज थोड़े नाल जिहड़ी डिस्कशन होगी और सबस्टिट्यूशन इफेक्ट के उपर होएगी, जिन्हों असी पंजाबी प्रतिस्थापन प्रभाव बोलते हैं। और इस समझन दे लई सब तो पहला तुहानू रीयल इनकम ते मनी इनकम दे बारे डिफरेंस पता होना चाहिए। एक होंदी है स्टूडेंट्स रीयल इनकम, एक होंदी है मनी इनकम। ठीक है, रीयल इनकम थोड़ी असल आमदन है ते जिहड़ी मनी इनकम है इहनू असीं मौद्रिक आमदन बोलते हैं। ठीक है जी, सो रीयल इनकम ते मनी इनकम नू समझन दे लई आप एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करांगे। मान लो स्टूडेंट थोड़े को 100 रुपए ने, ठीक है, ये थोड़ी मनी इनकम है। मनी इनकम यानी कि जो थोड़े को नकदी हैगी है, जो कैश है उन्हों असी क्या बोल देंगे, मनी इनकम बोल दें। और मान लो वो थोड़े को सपोज 100 रुपए हैगी है। हुण एक कमोडिटी है एक्स, उहदी जिहड़ी कीमत हैगी है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, वह 10 रुपीज़ है। ठीक है, हुण तुसी अपनी इस मौद्रिक आमदन यानी कि 100 रुपीज़ की मनी इनकम दे नाल, ठीक है, किन्ने यूनिट लै सकते हो एक्स दे, तां जिहड़ी क्वांटिटी ऑफ एक्स आएगी ना स्टूडेंट्स, वह आएगी 10 यूनिट्स। ठीक है, तो थोड़ी जिहड़ी रीयल इनकम है ना, रीयल इनकम थोड़ी परचेजिंग पावर होंदी है मनी इनकम की, यानी कि मनी गिवन दी प्राइसिस ऑफ कमोडिटीज, यानी कि जो ये दिती हुई कीमत है तो जो ये दिती हुई मौद्रिक आमदन है उस दे नाल तुसी किसी चीज़ के किन्ने यूनिट बाय कर सकते हो, वो जिन्ने यूनिट तुसी बाय कर सकते हो वो थोड़ी रीयल इनकम होंदी है। हुण जिहड़ी थोड़ी रीयल इनकम है वो इज इक्वल टू 10 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी के बराबर है, यानी कि एक्स वस्तु के 10 यूनिट के बराबर है। तो हम देखो जी, मान लो स्टूडेंट जिहड़ा प्राइस ऑफ एक्स है ना वो इनक्रीज कर गया 20 रुपए से चला गया, तो हुण तुहाडी जिहड़ी क्वांटिटी है नवें केस जिहड़ी तुसी क्वांटिटी लै पाओगे वह सिर्फ 5 यूनिट्स लै पाओगे। तो अगर तुसी ध्यान नाल नोटिस करो तो हुण थोड़ी मनी इनकम नहीं चेंज हुई, मनी इनकम थोड़े को 100 सी और 100 ही है, पर थोड़ी जिहड़ी रीयल इनकम है वह चेंज हो चुकी है, जो कि पहला 10 यूनिट सी, बट जदों हुण कीमत वध गई एक्स की, प्राइस ऑफ एक्स इनक्रीज हो गया, हुण थोड़ी जिहड़ी रीयल इनकम है वह किन्नी रह चुकी है, वह 5 यूनिट्स ते आ चुकी है। ठीक है जी, तो हुण एक केस होर लो, मैं प्राइस ऑफ एक्स हुण 5 रुपीज़ लै रहा, तो हुण क्वांटिटी ऑफ एक्स किन्ने आएंगे जी, 20 यूनिट्स आएंगे। ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण फिर तुहाडी मनी इनकम नहीं मैं चेंज की, मनी इनकम 100 ही है, पर थोड़ी जिहड़ी रीयल इनकम है वह 20 यूनिट्स से पहुँच गई। तो हुण तुहानूं फिर अगर मैं रिमाइंड करावां तो मैं बोलिया सीगा कि रीयल इनकम यानी कि असल आमदन क्या चीज़ है, परचेजिंग पावर ऑफ द मनी इनकम, यानी कि जो थोड़ी मनी इनकम है, जो थोड़ी नकदी है, तुसी उहदे नाल किन्ने यूनिट्स खरीद सकते हो वो तुहाडी रीयल इनकम होंदी है। ठीक है, और तुसी नोटिस किया स्टूडेंट्स जदों थोड़ा प्राइस इनक्रीज होया थोड़ी रीयल इनकम क्या हुई, फॉल हुई। ठीक है, घट गई, और जदों प्राइस फॉल होया थोड़ी रीयल इनकम की कर रही है, इनक्रीज कर रही है। ठीक है जी, इस करके इत्थे आपां रिजल्ट ये कढ़िया कि गिवन दी मनी इनकम या मोनिटरी इनकम, गिवन दी मनी इनकम, अगर थोड़े को मनी इनकम गिवन है तो तुसी आ रिजल्ट निकाल रहे हो, आ थोड़ी रीयल इनकम लिख रहा मैं, असल आमदन लिख रहे हैं, और आप प्राइस लिख रहे हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी इनक्रीज कर रहे हैं तो थोड़ी रीयल इनकम फॉल करेगी, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल कर रहे हैं थोड़ी रीयल इनकम क्या करेगी, इनक्रीज करेगी। ठीक है जी, तो थोनू रीयल इनकम ते मनी इनकम का जो डिफरेंस है वह पता चल गया होएगा, यानी कि थोड़ी जिहड़ी रीयल इनकम है ओदा प्राइस लैवल दे नाल इनवर्स रिलेशनशिप होंदा है, अगर प्राइसिस इनक्रीज करनगे तुहाडी रीयल इनकम फॉल करेगी, अगर प्राइसिस फॉल करनगे रीयल इनकम इनक्रीज करेगी। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट एक चीज़ इत्थे थोनू होर दसन की मैं कोशिश करूँगा कि लाइक अगर थोनू ये सब कुछ समझ आ गया तो ये वाला केस तुसी कोशिश करो, मैं दोबारा दसन की कोशिश करदा कि मान लो सपोज
ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਰੁਪੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਕਸ 10 ਰੁਪੀਸ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਾ ਫਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰੁਪੀਸ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰੁਪੀਸ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਰੁਪੀਸ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ 50 ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪੀਸ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਟ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਉਹ 50 ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100 ਹੈ ਇਟ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ 50 ਰੁਪੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 50 ਰੁਪੀਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਐਟ 5 ਰੁਪੀਸ 10 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਪਾਊਗਾ ਵਿਦ 50 ਰੁਪੀਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ 50 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ 10 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ 10 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ 10 ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100 ਰੁਪੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਨੀ ਇਨਕਮ 50 ਰੁਪੀਸ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਈਏ ਮੰਨ ਲਓ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਪਾਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ 50 ਰੁਪੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲੈ ਪਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਐਕਸ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਐਕਸ ਜੋ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਫਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਵਾਈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਕਸ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਕਸ ਫਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਵਾਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਵਸਤੂ ਸਸਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਐਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸ ਵਸਤੂ ਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਕਸ ਦਾ ਫਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸਨੇ ਐਕਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ ਚੀਪਰ ਬਣਾਤਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਾਈ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਡਸ ਆਪਸ 'ਚ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਘਟਾ ਦੂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਐਕਸ ਜੋ ਕਿ ਸਸਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਉਹ ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਪਰ ਗੁੱਡ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਧਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸ ਦੀ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਵਾਈ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਐਕਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ
आ तीन चीज़ों नू मैं मंदा होया सबस्टिट्यूशन अफेक्ट नू समझाऊंगा डायग्राम दे उपर। ठीक है जी, क्लीयर। साढ़े कोल टू टैक्नीक्स ने सबस्टिट्यूशन अफेक्ट नू एक्सप्लेन करन दियां। ठीक है जी, फस्ट टैक्नीक है जी साढ़े कोल, दैट इज हिक्सियन मैथड। ठीक है जी, और दूसरा है स्टूडेंट साढ़े कोल, दैट इज स्लट्सकीज मैथड। साढ़े कोल ये दो मैथड ने जी, हिक्सियन मैथड ते स्लट्सकी मैथड। असी तुहानू जिस दी हैल्प नाल सिखावांगे वो है हिक्सियन मैथड। ठीक है जी, तो वह असी स्टार्ट करते हैं जी। हुण लो जी, डायग्राम दे लई असी स्पेस तैयार कर ली जी। सबस्टिट्यूशन इफेक्ट नूं समझाउण दे लई रियल इनकम यानी कि असल आमदन असी कॉन्सटेंट मनांगे, प्राइस ऑफ वाई साडे लई कॉन्सटेंट है और एक्स जिहड़ी कमोडिटी है उहदा प्राइस असी फॉल करांगे। ठीक है जी, वह नीचे जाएगा। ठीक, तो तुहानूं दस्सांगे कि किवें वह जिहड़ी चीज़ महंगी हो चुकी है उहदी क्वांटिटी घटाएगा और किवें सस्ती चीज़ की क्वांटिटी वधाएगा। ठीक है, लो जी, ये स्टूडेंट जी असी अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, प्रोफेसर हिक्स की अप्रोच है, हिक्सियन अप्रोच असी डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रोफेसर हिक्स की है वो अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं। हुण क्या करना स्टूडेंट्स, दिस इज योर प्राइस लाइन, ये थोड़ी इनिशियल प्राइस लाइन है। ठीक है जी, और मान लो कंज्यूमर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम च हैगा। ठीक है, आ थोड़ी इनडिफरेंस कर्व है और इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम च है ई ते। ठीक है जी, हुण क्या होया इस सिचुएशन नाल, देखो कि प्राइस ऑफ एक्स की कर गया जी, फॉल कर गया। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर गया जी, और जो ही प्राइस ऑफ एक्स फॉल किया प्राइस लाइन जी पी एल तो पी एल वन पर पहुँच गई। ठीक है जी, मतलब पी एल तो पी एल वन पर पहुँच गई। पर तुहानू हुण ही पिछे दस के आया स्टूडेंट्स कि जदों ही असी जदों ही प्राइस ऑफ एक्स फॉल करेगा ना, तो जिहड़ी तुहाडी रियल इनकम है वह क्या करेगी, रियल इनकम इनक्रीज कर जूगी। बट सबस्टिट्यूशन इफेक्ट नूं समझाउण वास्ते असी रियल इनकम नूं की मनना हैगा, कॉन्सटेंट मनना हैगा। ठीक है जी, तो हुण रियल इनकम नूं कॉन्सटेंट करने लई क्या करना पवेगा, सानू कंज्यूमर तो कुछ मनी इनकम वापस लैनी पवेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मान लो कंज्यूमर को 100 रुपीज़ है जी, ये मनी इनकम है मान लो। ठीक है, ये मनी इनकम है, प्राइस ऑफ वाई जड़ा है 20 रुपीज़ है जी, तो प्राइस ऑफ एक्स जड़ा है, ठीक है जी, वह मान लो 10 रुपीज़ है। ठीक है, या दोनों का आप 10-10 रुपीज़ प्राइस ले लें। ठीक है जी, कंज्यूमर क्या कर रहा है जी, जो ए वाले प्राइस है, मान लो सपोज 6 यूनिट वाई दे लै रहा सी और 4 यूनिट एक्स दे लै रहा सी, 60 रुपीज़ इसते खर्च हो रहे सी, 40 रुपीज़ इसते खर्च हो रहे सी, तो 100 रुपीज़ उहदी मनी इनकम खर्च हो रही सी, और जिहड़ी उहदी लाइक रियल इनकम है वह नेचुरली आ क्वांटिटी दी फॉर्म च शो हो रही है। ठीक है जी, हुण सपोज करो जी, देखो रियल इनकम उहदी है 6 यूनिट ऑफ वाई एंड 4 यूनिट ऑफ क्या भी एक्स, तो यह जी स्टूडेंट एग्जाम्पल है, ये सिर्फ और सिर्फ तुहानू मतलब जिहड़ा मैं कह रहा कि कंज्यूमर तो असी पैसे वापस लेने हैगे आ उहदी रियल इनकम नूं कॉन्सटेंट रखने वास्ते, सिर्फ ये उन्होंने समझाने वास्ते है। ठीक है जी, हुण मान लो स्टूडेंट जिहड़ा प्राइस ऑफ एक्स है ना वो जो फॉल हो गया, तो मान लो रुपीज़ 5 ते आ गया। ठीक है, हुण यही सेम कॉम्बीनेशन कंज्यूमर किन्ने च लै सकदा है, क्योंकि हुण एक्स की कीमत 5 रुपी ते आ चुकी है, तो 4 यूनिट ऑफ एक्स किन्ने ते आ जाएंगे, 20 रुपीज़, यानी कि हुण उही 80 रुपए च आ सकता है। हुण अगर कंज्यूमर तो कंज्यूमर को मनी इनकम किन्नी सी 100 सी ना, अगर असी उस 100 दे विचों 20 रुपीज़ वापस लै लीए तो कंज्यूमर को किन्ने बचणगे, 80 रुपीज़ ना, तो हुण जदों एक्स का प्राइस फॉल होया तो कंज्यूमर की रियल इनकम इनक्रीज़ कर गई, और वो रियल इनकम किन्ने नाल इनक्रीज़ की, 20 रुपीज़ नाल, क्योंकि हुण 80 रुपीज़ च वह चीज़ लै सकदा है। असी उस तो अगर 20 रुपीज़ जिहड़े वधे हुए ने वापस लै लीए तां वी कंज्यूमर
पुराने यूनिट नू बाय कर सकता है। तो हुण जिहड़ी उह एक्सट्रा मनी इनकम 20 रुपीस उहदे कोल बच रही है, असीं उहतों वापस लैनी है। ठीक है जी, क्लीयर। तो जदों वापस लवेंगे तो उहदी रीयल इनकम पहलां जिन्नी ही बनी रहेगी। ठीक है जी, तो हुण इह चीज़ डायग्राम दे उपर किवें होएगी और इहनू हिक्स किवें समझाउंदा है। हिक्स कहिंदा भी जदों तुसीं कंज्यूमर तों पैसे वापस लैणे आ, कि अगर अगर इन केस प्राइस ऑफ एक्स की कर रहा है फॉल कर रहा है तो कंज्यूमर की रियल इनकम इनक्रीज करगी। ठीक है, और कुछ मनी इनकम बची होगी। ठीक है जी, यानी कि वही 20 रुपीस। हुण आपां कंज्यूमर की अगर रियल इनकम नू कॉन्सटेंट रखना है तो सानू उहदी मनी इनकम नू घटाउणा पऊगा इन सच अ वे कि कंज्यूमर पहलां जिन्नी क्वांटिटी लैंदा रहे। ठीक है जी, बट हुण इत्थे हिक्स की कहिंदा है कि कंज्यूमर की मनी इनकम नू इस हिसाब नाल घटाओ कि जिन्नी सैटिस्फैक्शन वह पहला लै रहा सी उन्नी ही सैटिस्फैक्शन उन्होंने मिलती रहे। तो इस करके असं की करते हैं, जिहड़ी सोड़ी है PL1। ठीक है जी, जिहड़ी सोड़ी PL1 न्यू प्राइस लाइन है ये बिल्कुल पैरल एक प्राइस लाइन ड्रॉ करांगे जिहदा नाम रखांगे MN और उन्हों इन सच अ वे ड्रॉ करांगे कि जिहड़ी सोड़ी वो ओल्ड इनडिफरेंस करवा पुरानी इनडिफरेंस करवा उन्हों टच करके जाए, इसके पैरल भी होए तो टच भी करके जाए। तो देखो स्टूडेंट्स ये किवें बनेगी, आ देखो आ लो जी। ठीक है जी, तो लो जी स्टूडेंट्स ये होगी थोड़े को MN। ठीक है, तो हुण पैसे वापस लै गए, देखो ना मनी इनकम जिहड़ी उहदी आपां डिक्रीज़ करती पर इन सच अ वे डिक्रीज़ कीती है कि कंज्यूमर नूं आपां कुछ परेशानी नहीं आउण दित्ती। वह पहलां भी IC इनडिफरेंस करते सीगा, हुण भी IC इनडिफरेंस करते है, फर्क सिर्फ इन्ना पिया कि पहलां ई पॉइंट ते सी हुण वह E1 पॉइंट ते, पर सेम इनडिफरेंस करते है। रिजल्ट की आया, रिजल्ट स्टूडेंट्स ये आया कि आफ्टर जो प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज होया तो असं उसकी रियल इनकम भी कॉन्सटेंट रखी तो कंज्यूमर ई तो E1 ते शिफ्ट किया। दिस इज कॉल्ड, मान लो ए तो बी, दिस इज कॉल्ड सबसीट्यूशन इफेक्ट। तो ए तो बी या ई तो E1 सोडा सबसीट्यूशन इफेक्ट है जिस दे विच उन्हें क्या किया, जिहड़ी वाई कमोडिटी सी ओदी कमर ओदी क्वांटिटी OH तो डिक्रीज करके OT ते करती और किसकी वधाती जिहड़ी चीज़ सस्ती हुई सी ओदी क्वांटिटी O तो OA तो OB करती। ठीक है जी, तो ये है स्टूडेंट थोड़ा सबसीट्यूशन इफेक्ट। इनू अगर तुसी तुहानू अगर लगे कि लाइन ड्रॉ करनी तुहानू औखी लगती है, औखा लगता सिस्टम, तो इनू मैं सौखा तरीका दसदा तुसी किवें कर सकते हो। तो सौखा तरीका स्टूडेंट्स यह आ कि लाइक तुसी सब तो पहला इन दिस वे आ क्वांटिटी ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ वाई। ठीक है जी, प्लॉट कर लो, इतने एक प्राइस लाइन ड्रॉ कर लो जी पहला तो ही। ठीक है, PL प्राइस लाइन, फिर तुसी जो दो प्राइस रिड्यूस होंगे वो नाल उहदे लई भी एक प्राइस लाइन लगा लो। ठीक है, लगा ली जी। ठीक है, फिर इस प्राइस लाइन दे बिल्कुल पैरल एक प्राइस लाइन लगा लो, वो तो लगा सकते ना स्केल नाल, लगा ली जी। ठीक है, MN हुण तुसी क्या करो, इनडिफरेंस कर एक इत्थे जे टच करा दो। ठीक है, एक इत्थे टच करा दो, वो तुसी कर सकते हो बड़े आराम नाल, देखो जी इन दिस वे। आ लो जी, आ सोडी IC ड्रॉ होगी, तो आ इत्थे तों लैके इत्थे तक सोडा सबसीट्यूशन जिहड़ा अफेक्ट है वो नज़र आ गया। ठीक है, इत्थे लैके इत्थे तक। ठीक है जी, क्लीयर, ओके। तो हुण स्टूडेंट्स तुहानू असीं इह समझाउण दी कोशिश करांगे कि जो सोडा प्राइस अफेक्ट है ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ या सम ऑफ इनकम अफेक्ट, प्राइस अफेक्ट इज इक्वल टू इनकम अफेक्ट ते सब्सिट्यूशन अफेक्ट। ठीक, प्राइस अफेक्ट इज अ सम ऑफ इनकम अफेक्ट एंड सब्सिट्यूशन अफेक्ट। ठीक है, कि जेड़ा सोडा प्राइस अफेक्ट है वो इनकम अफेक्ट ते सब्सिट्यूशन अफेक्ट का सम है। तो स्टूडेंट तुहाडे सिलेबस के मुताबिक तुहानू सिर्फ नॉर्मल गुड्स का केस ही हैगा, तो मैं नॉर्मल गुड के केस नू नॉर्मल गुड का केस लैके एक्सप्लेन करूँगा कि किवें सम हैगा। लो जी,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲ ਵਰਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਫੈਕਟ, ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀ ਐਲ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕਵਿਲਿਬ੍ਰਿਅਮ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਕਸ ਫਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਕਸ ਫਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਕਸ ਫਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਪੀ ਐਲ ਵਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਇਕਵਿਲਿਬ੍ਰਿਅਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਵਨ ਦੇ ਈ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ ਵਨ ਤੱਕ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਫੈਕਟ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਤੱਕ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਬੀ, ਸੋ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਡਨ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਪੀ ਐਲ ਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਐਲ ਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਐਮ ਐਨ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਲਡ ਇਨਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਓ ਜੀ ਟੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮ ਐਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਈ ਟੂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਉ ਜੀ ਟੀ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ ਤੱਕ, ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ ਤੱਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ ਟੂ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ ਤੱਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਟੀ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਮ ਐਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੋ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਮ ਐਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਉ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿਉ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਐਮ ਐਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਪੀ ਐਲ ਵਨ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈ ਟੂ ਤੋਂ ਈ ਵਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੀ ਬੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਮ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਐਂਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਏ ਬੀ, ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਟੀ ਬੀ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਏ ਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਏ ਟੀ 'ਚ ਟੀ ਬੀ ਐਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਹ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਟੀ, ਆਹ ਟੀ ਬੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਏ ਟੀ 'ਚ ਟੀ ਬੀ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਏ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਕਸੀਅਨ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ ਟੂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ, ਈ ਟੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ ਵਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ, ਔਰ ਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ ਵਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਐਂਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹਿਕਸੀਅਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀ, ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਓਵਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।